ऊपर चोटी देखो इसमें फूल बना है चोटी में है। चलो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे। पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। आज ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया। ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया तो चलिए आज का ब्लॉग अगर पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना। हमारा चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलो बोल दें हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज आपकी वीडियो देखूंगी। उनका वीडियो हमारा वीडियो रोज देखना वो। हमारा वीडियो रोज देखना कहिए। आज मैं ट्यूशन जा। ट्यूशन में क्या पढ़ाती है मैम जी बेटा बोल। 100 जग पूरा लिख दी मैं अपने कॉपी में। हाँ मैडम बोली थी। क्या लिखने के लिए बोली? 100 जग तू जानती है पहली। हाँ मैं सब जानती हूँ। खाली अस्तर पूरा सब कुछ लिखना है मैडम जी जो लिखने के लिए बोलेंगे। हाँ मुझे ना थक तुम्हें ना तुम्हारा कॉपी दिखो छे बैग कहाँ पर है? हमारा और एक तो रूम है वो है बेडरूम। आप बोल रहे थे ना आप रसोई में बेडरूम बनाने है नहीं है वो वाला है हमारा बेडरूम। थोड़ा नीचे बन गया है देखिए इतना सीढ़ी जाने के बाद वो नीचे है थोड़ा। ये ऊपर है बाद में बनाए हैं तो वो वाला थोड़ा नीचे है। ये किराए में गया था दुकान था यहाँ पर। हम लोग को कम हुआ घर तो शॉर्ट हुआ तो हम लोग इधर रास्ता बनाए हैं और रसोई बनाए हैं देखिए इस तरह से। और आज ना मैं सभी तरफ ड्रिल करवाऊंगी और बर्तन स्टैंड को लगवाऊंगी और पर्दे साफ करूंगी और सभी तरफ बल्ब वल्ब लगाएंगे। पंखा भी नहीं लगाए हैं ठंडी है तो थोड़े बाद में लगाएंगे। चलो तो आज देखते हैं। और नए ईयर का पार्टी भी मनाना है हम लोग थोड़ा लेट से मनाए तो चलो दिखाते हैं किस तरह से पार्टी मनाए क्या क्या बनाए और किस तरह से मैंने सभी तरफ लाइट और बर्तन स्टैंड लगवाया। बहुत सारा काम बाकी है अभी रसोई का। नीचे मैट लगाऊंगी सोच रही हूँ और बहुत कुछ लगवाना है। एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगाई हूँ अभी और रसोई में खिड़की नहीं है बोल रहे थे। रसोई में खिड़की है। और आज ना मैं सुबह से वीडियो नहीं चालू कर पाई। न्यू ईयर था बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे न्यू ईयर विश कर रहे थे। मैं भी बहुत लोगों को की मेरी ननन डेढ़ सास मेरी भाभी सबको की तो सुबह से मैं वीडियो नहीं कर पाई तो मैं दोपहर को ही चालू की हूँ वीडियो। और देखिए मैंने एक लाइट वाले को बुलाया था तो वो ना सभी तरफ ड्रिल करके पर्दे लगा दिए हैं और लाइट सब लगा रहे हैं और ये लोग पार्टी मना रहे हैं। अपना न्यू ईयर का पार्टी नहीं मनाए थे तो मोमोज बना रहे हैं केक बनाएंगे फिर पास्ता बनाएंगे और ठंडा उंडा लाए हैं पीने के लिए। उनकी सहेली एक ठुको बुलाए हैं और ये सब बहनें मनाएंगे पार्टी। तो सभी तरफ मैं साफ़ सफाई करके वो ड्रिल किए थे ना तो सभी तरफ धूल धूल हो गया था तो सभी डिब्बे वब्बे को निकाल कर मैं सभी पहुँच रही हूँ। माही भी मेरे साथ हेल्प कर रही है देखिए और मेरी बड़ी वाली बेटी भी हेल्प कर रही है और मंझली वाली और उसकी सहेली करके वो सब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग मोमोज की तैयारी कर रहे हैं तो सब माँ बेटी मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और जो बुलाए हैं वो अपना काम कर रहे हैं सभी तरफ ड्रिल कर रहे हैं। अपना कुछ कुछ सामान वामान देखिए इधर उधर रखे हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं किए हैं। सभी तरफ ड्रिल करके हम लोग पर्दे लगा रहे हैं सभी गेट में एक ही तरह का पर्दा लाए हैं हम लोग सभी तरफ लगाने के लिए। और उसके बाद सभी तरफ लाइन के बोर्ड लगा रहे हैं चार्जिंग के लिए कूलर के लिए। और फिर मैंने ना जो यहीं पे था दुकान पे अटैच वाला बोर्ड उसी में फ्रिज चला रही थी इंडक्शन चला रही थी तो उन्होंने मना किया कि इसमें मत चलाइएगा आप अलग से इसके लिए पावर प्लग लगेगा तो वो वाला मंगा कर मैं लगा रही हूँ। फ्रिज के लिए पावर प्लग वाला बोर्ड लगा रही हूँ फिर चार्जिंग के लिए अलग से बोर्ड लगा रहे हैं। आजकल तो जानते हैं हर एक आदमी के पास मोबाइल है। हम पांच जने हैं चार मोबाइल हैं
बस माही के पास नहीं है तो सभी मोबाइल को बारी बारी से चार्जिंग करते हैं, तो उसके लिए स्विच चाहिए अलग अलग, तो वो लगा रहे हैं। तो आज ना आए हैं सुबह टाइम से, तो कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हुआ है काम। और ये लोग अपना पार्टी चालू कर दिए हैं इसी रूम में, वो भी काम कर रहे हैं, और ये लोग भी अपना पार्टी का तैयारी कर रहे हैं। तो बारी बारी से अलग करके साफ करना पड़ रहा है, इधर ये लोग हैं उधर वो काम कर रहे हैं, ड्रिल करते हैं तो धूल निकल रहा है। तो अभी अभी जमाई थी रसोई का सामान, तो फिर धूल उड़ रहा है, तो सारा सामान निकल कर फिर से साफ़ करना पड़ रहा है। तो रसोई की जगह मैं भी करना चाहती थी, पर ये लोग ना अपना कुछ कुछ बना रहे हैं पार्टी का, तो अभी नहीं कर रही हूँ, बस नीचे से झाड़ू कर दूँगी। मेरी बेटी बोल रही है मैं कर देती हूँ, फिर मैं बनाना चालू करूँगी बोल रही है, वो नीचे से बस झाड़ू कर दे रही है, फिर बाद में मैं सब डिब्बों को अलग करके साफ़ करूँगी। सभी के ऊपर ना धूल जम गए हैं, ड्रिल किए तो ईंट वाला धूल सभी तरफ उड़कर जम गया है डिब्बों में, अच्छा नहीं लगता है, गंदा हो गया है रसोई, धूल धूल हो गया है। तो मेरी बेटी थोड़ा सा साफ़ करके वो बनाने लगेगी, फिर मैं साफ़ करूँगी और थोड़ा पार्टी। ये लोग सुबह से मनाएंगे बोल रहे थे, लेकिन ये काम की वजह से सुबह से नहीं मनाए हैं, बाद में मनाए। तो किस तरह की न्यू ईयर पार्टी मनाए ये लोग मैं आपको दिखाऊंगी, चलिए। और इधर वो दोनों मोमोज की तैयारी कर रही हैं, इधर मेरी बड़ी वाली बेटी पास्ता उबाल रही थी, देखिए उबल चुका है उनका पास्ता, छान लेगी उसको फिर पास्ता बना लेगी, सारा सामान तैयार कर ली है वो। और ये लोग मोमोज को बना रहे हैं अभी, उसके बाद स्टीम कर लेगी मेरी बड़ी वाली बेटी, ऐसे वाला रेसिपी बनाने में माहिर है, हमारा रेसिपी वाला चैनल है, इससे पहले रेसिपी वाला चैनल था, देखना जो कोई भी आप देखना चाहते हैं इस तरह की रेसिपी, बहुत सारी रेसिपी हम लोगों ने बनाकर उसमें डाला है। हम लोग करीब 7-8 महीने तक रेसिपी वाला चैनल चला रहे थे, उसके बाद इसको ब्लॉगिंग बना दिए। रेसिपी में ना बहुत मेहनत है, और रोज़ रोज़ क्या रेसिपी बनाए सोचने लगे, तो हम लोग ब्लॉगिंग ही बना दिए उसको, ब्लॉगिंग चैनल बना दिए। तो ब्लॉगिंग में अच्छा ही जा रहा है रेसिपी से, खासकर मेरी बेटियाँ बनाती हैं रेसिपी, मेरी बड़ी वाली बेटी को इस तरह का खाना बनाना शौक़ है, ज़्यादातर ये लोग घर में ही बनाकर खाते हैं। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सब बना रही है, बता दी है उनको बनाने के लिए। और मेरी मंझली वाली बेटी की सहेलियाँ भी इसका बनाया हुआ पसंद करती हैं, जो जो भी घर आके खाती हैं। तो मंझली वाली की सहेली आई है, बड़ी वाली की सहेलियाँ तो नहीं आई हैं। तो ये लोग सारा इंतज़ाम कर रहे हैं अपना, अब मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ, उधर वो काम कर रहे हैं जो लाइनमैन बुलाई हूँ मैं, इसके पापा घर पर नहीं हैं, वो बुलाए थे लेकिन उनका छुट्टी नहीं था, तो छुट्टी के दिन आऊँगा बोले थे, तो छुट्टी किए हैं तो आज आए हैं सभी तरफ लगाने के लिए बोर्ड वोर्ड, सभी तरफ लाइन बल्ब लगा देंगे, बोर्ड लगा देंगे, ड्रिल करके पर्दे लगा चुके हैं, और बर्तन स्टैंड भी टांग चुके हैं, मैं बर्तन भी रख चुकी हूँ, दिख रहा है देखिए, दो डाली में बर्तन था, बहुत जगह घेर रहा था, तो बर्तन स्टैंड भी फिट हो गया, बर्तन भी रख दी हूँ मैं, पर्दे भी लग गए हैं, अब बस लाइन काम बाकी है, बल्ब भी लग गया है, अब सारे बोर्ड लगा रहे हैं, कुछ टाइम में काम भी ख़त्म हो जाएगा। और इधर इन लोगों के लिए चीज़ देना पड़ रहा है, उधर उनको भी जो जो सामान लग रहा है उनको भी ला के देना पड़ रहा है, और फिर साफ़ सफाई में फुर्सत ही नहीं है, आज बहुत सारा काम है, इसलिए बहुत लेट में मैं वीडियो भी बनाई। तो चलिए इनका पार्टी थोड़ा देखें, देखिए मेरी बड़ी वाली बेटी केक की बैटर तैयार करके स्टीम करने के लिए डाल रही है उसमें, ये वाला काम बहुत अच्छे से आता है उसको, अच्छा अच्छा केक बनाती है। और देखिए ये लोग मोमोज को मोड़ रहे हैं, सारा उसका स्टफिंग तैयार कर लिए हैं, और उसको अंदर स्टफिंग डाल डाल कर मोड़ के रख रहे हैं। बहुत टाइम लगता है इस तरह का नाश्ता, तरह तरह का बनाओ तो, इनका कुछ काम नहीं रहता है बच्चे लोगों का, तो इस तरह का काम करते हैं लोग, हमसे तो नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं रहता हमारे पास। तो देखिए बहुत सारे मोड़ चुके हैं और भी मोड़ रहे हैं, और इसकी चटनी भी बनाए हैं।
और देखिए इधर मेरी बड़ी वाली बेटी पास्ता बना रही है। मोमो की चटनी बहुत अच्छी लगती है, रोटी चीला हर किसी में। पता नहीं ये लोग निकाले थे, चटनी बन गया है या नहीं बना है आपको बताऊंगी अगर नहीं बना होगा तो, और उसका लिंक भी दे दूंगी। अब लोग बना के खाना, मोमोज की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे पास उसका लिंक था, मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डालूंगी। और देखिए इनका नाश्ता तैयार हो गया, पास्ता, मोमोज, मोमोज की चटनी और केक, बहुत ही अच्छा बना था सभी नाश्ते। और देखिए मेरी भतीजी बनाई थी ये केक, उनके घर में है तो मेरे को फ़ोटो भेजी थी कि मेरा वाला भी डाल देना चाची, तो उनका भी केक बहुत अच्छा बना था। और देखिए ये लोग मेरे को भी दिए हैं खाने के लिए, मेरा काम ख़त्म हो चुका, मैं हाथ पैर धो के आई तो मेरे को खाने के लिए और पीने के लिए दे रहे हैं। आप भी पार्टी में शामिल हो जाओ। खाने के बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह से पर्दे लगाए, ये बाहर वाला गेट में लगाए हैं पर्दा, इधर रसोई में भी इस तरह से लगाए हैं पर्दे, और एक ठो लगाएंगे यहाँ पर, तीन ठो लगाए हैं, चार लगाना था बोले तो एक ठो लगाएंगे। और देखिए सारा सामान को मैं इस तरह से निकाल ली हूँ फ्रिज को खिसकाने के लिए, और सारे डिब्बों को भी साफ करूँगी मैं उसके बाद। सभी तरफ ना थोड़े थोड़े झाड़ू कर लूँगी, धूल उड़ा है सभी तरफ ड्रिल में। और फ्रिज को थोड़ा खिसकाना था मेरे को, पास में ही हो गया था गैस के फ्रिज, इधर का टेबल उधर कर लूँगी और फ्रिज को खिसका लूँगी, फिर रखने में भी सुविधा हो जाएगा, जगह नहीं है ज़्यादा, टेबल है तो गैस और इंडक्शन में ही फुल हो गया है टेबल, तो बर्तन वर्तन रखते नहीं बन रहा है, तो उधर कर लूँगी तो उसमें रखते भी बन जाएगा। और ग्राइंडर भी रख लूँगी टेबल में ही। देखिए फ्रिज मेरा खिसका ली मैं, और लोग नाश्ता वास्ता करके अपना सेल्फी वेल्फी लेने गए हैं ऊपर, और इधर मैं साफ सफाई में लग गई हूँ। और हमारा न्यू ईयर पार्टी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, आप लोग कैसा मनाई भी बताना। और देखिए किस तरह से मैं जमाई आपको बताऊंगी। टी टेबल के नीचे ना मैं एक और लकड़ी के पट्टे डाल दी हूँ, उसमें भी देखिए ग्राइंडर कप, इडली वाला सांचा, कढ़ाई सब आ जा रहे हैं उसमें। अभी तो छज्जा नहीं बनाए हैं, टेम्प्रेरी वाला जोगाड़ वाला रसोई है ये मेरा, तो इस तरह से मैं टेबल के नीचे भी लकड़ी वाला पट्टा डाल कर रखी हूँ, और ऊपर में देखिए ग्राइंडर और ये सब्जी वाला है डाला भी रख दूँगी वहाँ पर। फ्रिज भी साइड में हो गया देखिए, और गैस को भी साफ़ करने के लिए मैं नीचे उतार दी हूँ। और ये लोग अपना नाश्ता वास्ता भी बना लिए, नहीं चढ़ाई थी मैं। और बच्चे कुछ बनाती हैं ना इतना कचरा करते हैं रसोई को, कुछ साफ करने में मुश्किल हो जाता है, सभी तरफ गंदा कर देते हैं वो लोग। और देखिए अभी ना ठंडा है तो फ्रिज में ज़्यादा सब्जियां नहीं भर रही हूँ, बाहर में ही रख रही हूँ सब्जियों को। बैगन को जो भरता बनाने के लिए मंगवाई थी उसको बाहर ही रख रही हूँ, अंदर नहीं रख रही हूँ, अच्छा नहीं लगता है फ्रिज का भी ठंडी में, ऐसे तो गंदा नहीं होता है, बाहर रहने पर भी सड़ता नहीं है, तो बाहर ही रखी हूँ ज़्यादा सब्जी को। और देखिए सारे डिब्बों को निकाल रही हूँ मैं, जमा कर रखी थी, थोड़ा थोड़ा धूल हो गया था तो फिर से साफ़ कर लूँगी। या देखिए सारे डिब्बे निकाल ली मैं, गैस को साफ करके ऊपर चढ़ा ली, और उधर का भी टी टेबल वाला भी ऊपर रख ली हूँ, इधर टेबल के नीचे वाला सारे डिब्बों को निकाल कर साफ कर ली हूँ मैं देखिए, और सारा डिब्बा जमा ली फिर उसके बाद। इस तरह से मैं जमाई हूँ सारे डिब्बों को, टी टेबल को इस तरफ रखी हूँ, देखिए इसमें सब्जियाँ हैं, ग्राइंडर है, इधर दाल चावल पकाया हुआ रखते बनेगा, इधर गैस, इंडक्शन, और नीचे सारे डिब्बे देखिए, छोटा छोटा वाला जो डिब्बा यूज़ करने के लिए रखी हूँ मैं, और बड़ा बड़ा वाला बेडरूम की छज्जी में है। इधर देखिए बर्तन स्टैंड में बर्तन भी सारा टंग गया है मेरा। इधर फ्रिज के ऊपर भी कुछ कुछ रखते बन रहा है, भगवान का सुविधा नहीं की हूँ तो यहीं रख दी हूँ अभी। और देखिए इधर डिब्बे मेरे ऐड के लिए जो सामान आए थे वो सामान। कैसा लगा मेरा रसोई का डेकोरेट ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक ठो लाइक कीजिएगा।
इसी तरह हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नए नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।